बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। देखिए, जो हमारा सिंधवा टाउन है, ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का एक तरह से कजिन ब्रदर है। चाहे हम प्रोफाइल की बात करें, पॉपुलेशन आबादी की बात करें, यहाँ की स्थानीय जो समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उनकी बात करें, अपराध प्रोफाइल की बात करें, तो जैसा हमारा बड़वानी हेडक्वार्टर चलता है वैसा ही पैरेलल सिंधवा चलता है। तो इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए आज यहाँ का भ्रमण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमने सिंधवा ग्रामीण थाना चौकी बिजासन और सिंधवा शहर का भ्रमण निरीक्षण किया है। मुख्य रूप से हमारा फोकस है, जो हमारे त्यौहार चल रहे हैं अभी और आने वाले समय में भी एक के बाद एक त्यौहार हैं, तो उनकी तैयारियाँ कैसी हैं, उसके लिए हमको क्या प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ करनी है, क्या एक्शन लेना है, कैसे पुलिस को सक्रिय और प्रोएक्टिव रहते हुए काम करना है। इसके अलावा कल हमारी भोपाल से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा, उनके जो निर्देश हैं वो भी हमें अपने अमले तक पहुंचाने हैं। हमारा जो वर्कर, हमारा जो स्टाफ जमीन पे खड़े होकर ज़मीनी काम कर रहा है, उस तक वो निर्देश पहुंचाने हैं, ताकि जैसा हमारा शासन और मुख्यालय के निर्देश हैं वो हम स्थानीय स्तर पर इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इन्हीं सब बातों को लेकर ये निरीक्षण भ्रमण कार्यक्रम रखा गया है और सभी स्टाफ की प्रॉपर ब्रीफिंग चल रही है अभी। सब बड़वानी जिले में बल्ला थाना और परसों थाने के अंतर्गत दो गाँव शहर गाँव है, चिन्ह कुंडी खोदली उमरटी, जहाँ अवैध हथियारों का निर्माण होता रहता है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे दो थाना क्षेत्र जो आपने बताए हैं ये गढ़ हैं अवैध हथियारों की अगर हम बात करें तो। लेकिन हमारी बड़वानी पुलिस ने पिछले एक साल में बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर हम अवैध हथियारों की बात करें या नारकोटिक्स मटेरियल की बात करें या अवैध शराब की बात करें, हर दिशा में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और जैसा कि आपने चिन्हित किया है, ये गाँव जो हैं, ये थाने क्षेत्र जो हैं, ये हमारे भी चिन्हित क्षेत्र में से हैं, तो इन पर हमारा विशेष फोकस रहेगा और आने वाले समय में भी हम कार्रवाई करेंगे। आपके द्वारा जो बताया जा रहा है, एक साल में लगातार बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, पर उसके बावजूद भी लगातार हथियार की सप्लाई यहाँ पर बंद नहीं हो पा रही। देखिए, निश्चित तौर पे इसमें सिर्फ जो अपना कानूनी एक्शन होता है उसके बियॉन्ड जाके हमें एक सामाजिक लेवल पे भी कार्य करना है, जैसा कि हमने अपनी टीम के साथ आज भी प्लानिंग की है। जो आप गांव चिन्हित करके बता रहे हैं, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहां के सरपंच हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं, हम उनको अपने से जोड़ेंगे, उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, ताकि इस रास्ते को छोड़ करके वो मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चल सकें। तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा और कानूनी एक्शन अपनी जगह है ही, जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सर, बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी भी होती है, इस पर किस तरह से अंकुश लगाएंगे? देखिए, हमारा काफ़ी सारा क्षेत्र यहाँ का हाईवे का है, जो कि मुंबई आगरा हाईवे जो है यहाँ से निकलता है, और आगे चल के जरा सा 20-25 किलोमीटर आगे चलने पे महाराष्ट्र बॉर्डर आ जाता है। तो ये एक राइप ग्राउंड है अलग अलग तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। तो जैसा मैंने कहा, पहले भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं, हमारा जो टीम है, हमारी जो स्टाफ है, हमारे जो अधिकारी हैं, वो इस दिशा में सक्रिय हैं और हम बेहतर से बेहतर काम इसमें आगे भी करने की कोशिश करेंगे।